नाज़रीन, मैं हूं सैयद कामरान और आज हम मौजूद हैं DHK हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बुनेर में, जो कि बुनेर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आवामी जो शिकायत है वो हम आपको दिखाएंगे। जो हालात है उससे आप मुतमईन हैं? जी थोड़ा बहुत। इनको भी इंतज़ामिया से शिकायत है लेकिन ये फिर भी डॉक्टर से मुतमईन। इनका नाम इस्माइल शाह है। इनको भी इस अस्पताल के इंतज़ामिया से बहुत सारे शिकायत थे। इनके मुताबिक इन्होंने बहुत इंतज़ार किया, यहाँ के लोगों का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। प्राइवेट क्लिनिक में कम से कम डॉक्टर की फ़ीस 500 रुपये होती है, लेकिन वहाँ पर कम से कम पंखा तो चलता है। अस्पताल के सारे पंखे ख़राब है, बैठने के लिए ना मर्दों के लिए जगह है और ना खवातीन के लिए कोई जगह है। इनका नाम इरफान है और यह अस्पताल में एक्सरे अटेंडेंट की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जब इनसे हमने पूछा कि यहाँ पे खवातीन के लिए एक्सरे का कोई अलग इंतज़ाम है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे खवातीन का एक्सरे भी मर्द ही करते हैं। और अल्ट्रासाउंड के बारे में जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पर मेल डॉक्टर्स फीमेल की अल्ट्रासाउंड कर। नहीं, कोई रूल्स है इसका? नंबर खास उसूल नहीं है कि कौन किसको आगे जाना है, किसको बाद में जाना है। एक कमी है यहाँ, यहाँ जो लोग भी आते हैं उसके लिए हर मरीज के लिए एक साथ 2-3 बंदे आ रहे हैं। अगरचे हस्पताल में सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है, लेकिन हमने जितने भी वार्ड्स का दौरा किया उनमें तकरीबन सारे पंखे ख़राब थे और बिजली का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, जिनका आवाम ने बारहा शिकायत की। तो ये है वो जगह जो मरीज़ के साथ जो लोग आते हैं और रात को सोने के लिए जगह नहीं होती, तो ये लोग यहाँ पे सोते हैं। इस गर्मी में भी गर्मी मतलब पंखे का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है ना कोई। और ये अंकल जिनकी अम्मी बीमार थी, इन्होंने भी इनकी खिदमत में आज रात इसी बेड टूटी हुई बेड में गुजारी। सेहत कार्ड की बात की और सेहत के हवाले से सेहत की बात की, यहाँ भी बिल्कुल नाकामी नज़र आती है। इस तरह बिल्कुल नहीं है, जिस तरह आप बात कह रहे हैं हर चीज़ में नाकामी है, हर चीज़ में ये इस तरह नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ DHQ की बात बोलो पहले से मैं करूँ। DHQ यहाँ पर जो है हमारा, इसमें कोई शक नहीं है कि 10 साल हो गए हैं कि इसमें किसी ने पत्थर रखना नहीं है, लेकिन ये है कि अभी वहाँ पर हमने उसको 1 अरब रुपए की हमने वहाँ पर उसके लिए फंड एलोकेशन उसकी हुई है। उसमें से 14 बेड का अभी जो है वो बना हुआ है, लेकिन ये आप साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि दूसरा साल चल रहा है, 1 साल हो गया है दूसरा चल रहा है कोविड के हवाले से, तो जाहिर ही बात है इस हालत में ज़्यादा फोकस देखा कि यहाँ पर जो मसले हैं, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का मसला है, इंतज़ामिया का मसला है, बिजली का मसला है। अक्सर हम उस बात पे फोकस कर रहे थे, उस बात का डीजी साहब ने भी नोटिस लिया हुआ था कि फीमेल के लिए अल्ट्रासाउंड फीमेल ही करेगी, फीमेल नर्स या डॉक्टर, और मेल के लिए अल्ट्रासाउंड मेल ही करेगा। लेकिन अभी भी वहीं तक 1 साल से पहले जो बात पहले से जो रिवायत बरकरार है वही है, और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड फीमेल के लिए भी फीमेल करती है और मेल के लिए भी मेल ही करता है। और एक्सरे भी जो कि हमारे रूम में इस राइट साइड के एक्सरे फीमेल के लिए भी मेल ही करता है। बात यह है कि आपने जिस तरह आपने अल्ट्रासाउंड के बारे में कहा, अल्ट्रासाउंड हमारे हैं यहाँ पे 2 अल्ट्रासाउंड हैं, एक हमने रखा हुआ है फीमेल के लिए अलग लेबर रूम में, ताकि वहाँ पर कोई पेशेंट आए वहाँ से बाहर निकले ना और वहाँ पर